सर बुलंद हो गया। आज यौम-ए-शायर-ए-मशीद
अल्लामा इकबाल अपने दौर के बड़े गजब के शायर थे, बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत गायदार आवाज थी। जब वो कलाम पढ़ते थे तो खास और आम लोग के दिल तड़प उठते थे। अल्लामा इकबाल की शायरी एक इनकलाब बर्पा कर देती थी। अल्लामा इकबाल ने शायरी को कौमी फिक्र नया बन दिया है। यही नहीं, और आपने मोहम्मद बिन जिन्ना से फरमाया कि आप क्यों नहीं आते, क्यों छोड़कर आ गए बरसगीर के मुसलमानों को, और एक नई रूह की कायद आजम मोहम्मद बिन जिन्ना थे, और कायद आजम मोहम्मद बिन जिन्ना वापस आए और उन्होंने इस तहरीर को चलाया। आज 9 नवंबर 2021 को डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का 141वां यौम पैदाइश है, और इन तमाम सालों में हमने हर साल इकबाल को गुज़श्ता सालों से ज़्यादा चाहा है। इसकी फिक्र फ़लसफ़े की कुर्सियाँ सुलझाई हैं, उसकी शायरी के असार व रमूज की पर्दे खोली हैं, और उसकी शख्सियत के तिलिस्म से एक लम्हा भी बाहर नहीं निकल सके हैं। हाज़रीन इकराम, इकबाल हमारा वो महबूब शायर है जो अपने उसलूब व फिक्र में अव्वल भी है और आखिर भी। उसके तर्ज सुखन को आज तक शेरी दुनिया में कोई दूसरा शायर इख्तियार नहीं कर सका। दरअसल उसकी शायरी के मजामीन दास्तान गुलो बुलबुल और विसाल व हिजर की गुस्सा आदाइयों से बहुत दूर मकाम पर ऐसे शेरी सांचों में ढलते हैं जो एक ख्वाब परेशान की ताबीर बनने के लिए बिसात अदब पर पाए जाते हैं। पूरी शायरी मुस्लिम कौम के लिए पैगाम का दर्जा रखती है, जबकि उनके खुतबात उनकी नस्ल में फलसफियाना अफकार और खुदूत अहले दानिश व बीनिश की तवज्जो चाहते हैं। वो एक साहिब बसीरत मुस्लिम फलसफी और उम्मत मुस्लिमा को अपनी शायरी से जगाने वाले शायर हैं। मैं साफी बरादरी को और नेशनल ट्रस्ट आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तो ऐसे इवेंट पे अपने प्रोग्राम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि अपने नेशनल हीरो जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना मुफ्ती जो है, इस तरह जितने नेशनल लोग हैं उनको हम याद रखते हैं। मुझे
کے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مجھ سمیت اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں اس وقت, ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ علامہ اقبال کے دو شعر ہمیں پڑھ کے بتا دیں تو وہ نہیں پڑھ پائیں گے, اس لیے کہ ہم نے ان کو وہ تربیت بھی نہیں دے رہے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ اس آپ یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, میڈیا سے بھی کہوں گا کہ اس چیز کو زیادہ وائرل کریں کہ ہماری یہ چیزیں ہمارے بچوں کو ہمارے کالجز اسکول میں پتہ ہونا چاہیے. ہم آج یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کریں گے علامہ اقبال کے دس شعر پڑھنے کو نہیں پڑھ پائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے گورنر کتنے, ان کا اگر پوچھ دیں گے ہمارے گورنر کے نام بتا دیں وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. شعائے عدل ہی تجھ سے کلام کرتی ہے, نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر. شعائے عدل ہی تجھ سے کلام کرتی ہے, نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر. صلاح عام ہے یہ نقطہ ہر کسی کے لیے, صلاح عام ہے یہ نقطہ ہر کسی کے لیے, سلو کے حسن محبت نظام پیدا کر. صلاح عام ہے یہ نقطہ ہر کسی کے لیے, سلو کے حسن محبت نظام پیدا کر. ہوا تو اجنبی رستوں پہ لے کے جاتی ہے, ہوا تو اجنبی رستوں پہ لے کے جاتی ہے, جہاں بھی آئے گی منزل قیام پیدا کر. ہوا تو اجنبی رستوں پہ لے کے جاتی ہے, جہاں بھی آئے گی منزل قیام پیدا کر. انا کی زد میں پہاڑوں کو ٹوٹتے دیکھا, انا کی زد میں پہاڑوں کو ٹوٹتے دیکھا, سکون سے کام لے کچھ انتظام پیدا کر. آج کا دن نیشنل پریس کلب کراچی میں کہنے کو تو ایک تقریب ہے, کہنے کو تو یوم اقبال ایک لفظ ہے, مگر آج کا دن وہ دن ہے جس دن کی نسبت سے آج میں اور آپ اور یہاں ہم سر عام تحریر و تقریر کر رہے ہیں, آزادانہ بات چیت کر رہے ہیں, آزادانہ بول چال کر رہے ہیں, آج اس دن کی مناسبت کے ساتھ اور حضرت کالم علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانیوں کے صدقے آج پاکستان امریکہ نے اسلام
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम हम तेरे हैं। मैं समझता हूँ वो भी एक शायर थे, लेकिन अल्लामा इकबाल का मुकाबला किसी शायर से दुनिया में नहीं हो सकता। जो शायर हमारे लिए कह गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आन भी है, शान भी है और जान भी है और पाकिस्तान का एक सितारा इम्तियाज भी है। जो शायर हमारे लिए कह गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आन भी है, शान भी है और जान भी है और पाकिस्तान का एक सितारा इम्तियाज भी है। दोस्तों, नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं क्योंकि आज पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी का मरकजी सदर भी हूँ और ये शर्फ हमें हासिल है आज पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास को, कि जब हम यहाँ आए तो हमने इस प्रेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन हाजिर किया। और आज भी हमने, जब हमें ये बात पता चली तस्लीम भाई के जरिए, तो आज भी हमारी जमात ने इस प्रेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और मैं ये वादा करता हूँ कि आज पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास हमेशा नेशनल प्रेस को सपोर्ट करती रहेगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम हम तेरे हैं। मैं जरूर अपने अंदाज में चंद कलमात कहूँगा जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ वाजिब मेहमानों की खिदमत में, कि यौम इकबाल के हवाले से इकबाल ने ही कहा था, जो सना खानी हजरत इकबाल कर गए मैं कहता हूँ कि उसमें तखत आप तो आप सब जानते हैं, साहिब इल्म बैठे हैं, कि मशहूर मारूफ से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौ और कलम तेरे। और इकबाल ने कहा था कि दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए गुलिस में गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही कहा। बहुत शुक्रिया। हम दिल के इसको सलाम और उनकी अजमत को सलाम, 20वीं सदी के इतने अजीम आदमी के तो उनको सलाम पेश करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और ये सब मालूम है कि वो किस पाए के शायर थे या किस पाए के फलसफी थे या किस पाए के सियासी थे, और इस्लाम से मोहब्बत जो उनका वो है वो तो एक अलग ही चीज़। और मेहमान गिरामी साहब और जनाब हमारे प्रोफेसर साहब और दीगर मौजिज हजरात जिन्होंने शिरकत करी और अल्लामा इकबाल पर बात की। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक जो पाकिस्तान के एक ऐसे शहर थे जिन्होंने अपने फलसफे में वो कुछ बता दिया जिसने फलसफे खुदी पर बात की है। आज मैं बड़ा इस बात पर मुतमईन हूँ कि लोगों में अभी भी अल्लामा इकबाल के बारे में सुनने की सोचने की बसीरत है। अल्लाह ताला इस सोच और बसीरत को कायम न कायम रखे, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब ने एक सही बात की कि कौम बेरा रवी का शिकार तो है, रास्ते बदल रही है, लेकिन याद रखना उन्होंने इसी रास्ते पे आना है जो अल्लामा इकबाल अपनी तारीख में कह चुके हैं। अल्लामा इकबाल एक ऐसी शायर जिन्होंने नौजवानों से लेकर उनके ज़िंदगी पे बात की और माशरे पे बात की, आने वाले वक्त पे बात की और गुजरे हुए हालात पे बात की। उनकी बातें मुतासरकन थी, उनकी बातें इतनी अच्छी थी कि अगर हम उस अमल पर पैरामल हो जाएं तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं।